We are here at Itanagar, Indira Gandhi Park, and since last few days, one Andolan committee regarding the issue of non-APST in Panchayati Raj system of Arunachal Pradesh. The Andolan committee chairman and president and general secretary, they are here. They have done hunger strike also and dharna also last few days back, and they demand that the inclusion of non-APST according to Panchayati Raj rules of Arunachal Pradesh. The non-APST who doesn't belong to Arunachal Pradesh, any person who doesn't belong to Arunachal scheduled tribe cannot participate in the panchayat elections or cannot be elected as a leader in Panchayati Raj system. So here with us the chairman of this Andolan committee. तो सर इसमें बताइए क्या है आप लोग का डिमांड्स क्या है और आप लोग का ये धरना और हंगर स्ट्राइक क्या क्या हुआ इसके बाद? हम लोग का ये जो अभी यहाँ में जो डिमांड तो यही है, हम लोग का 5 पॉइंट जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें हम लोग का नंबर वन तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का बारे में हम लोग ने डिमांड किया कि अरुणाचल में अभी नॉन APST जो बहुत सा जगह में इफेक्ट है, तो उस हिसाब से अभी जैसे पंचायत इलेक्शन का पंचायत डिपार्टमेंट जो है एक आपका ये को लेके ऑर्डिनरी रेसिडेंट को लेके नॉन APST को अभी जहाँ तहाँ पार्टिसिपेट लेने के लिए दे रहा, उस हिसाब से हम लोग जैसे पंचायत का गाइडलाइन को दिखाए तो वहाँ में जो अभी वाइट पेपर घूम रहा है वो प्रेमबेल में नहीं है, इसी हिसाब से हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट को क्लियर करो बोल के हम लोग का नंबर वन डिमांड है। उसका बाद में सेकेंड डिमांड है, ये डिमांड जो यही है कि अभी जो पंचायत जब पंचायत से पंचायत इलेक्शन से पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था कि जो नॉन APST है उसको अरुणाचल में राइट नहीं देना है कि पंचायत लीडरशिप में मौका नहीं देना है, तो उसको लेके वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ERO और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DC और रिटर्निंग ऑफिसर लोग उसको कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करके उसको कैंडिडेट बना के रखा, उस हिसाब से हम लोग का यही डिमांड है कि वहाँ का DC से लेके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को इमीडिएटली अरेस्ट करना है, यही हम लोग का डिमांड है। उसका बाद नंबर 3 जो पंचायत ये में जो ZPM बन के बैठा है उसका बाद में GPM बन के बैठा है उसको अभी इमीडिएटली बैकरोल करना है कि वहाँ में हमारा अरुणाचल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उन लोग को नॉन APST को पंचायत लीडर राइट नहीं है बोल के, यही हम लोग का डिमांड है। नंबर 4 जो है हम लोग का डिमांड ये है कि अभी अरुणाचल में बहुत सा जगह में ST PRC को इलीगली इशू कर रहा है, तो उसको लेके हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी को भी डिस्कस किया था, तो चीफ सेक्रेटरी का कहना ये है कि एक मॉनिटरिंग टीम ये करके कमिटी बनाना पड़ेगा तब जाके ये सबको हम लोग छानबीन कर सकता है, तो इस हिसाब से हम लोग ने उसी को डिमांड है 4 पॉइंट में कि यहाँ में इमीडिएटली अरुणाचल में ST PRC ये के लिए मॉनिटरिंग के लिए एक कमिटी जल्दी ये करना है बोल के, ये हम लोग का डिमांड है। और नंबर 5 में हम लोग का ये डिमांड है जो अभी प्रेजेंटली DCM है वो जो टूर्नामेंट का नाम लेके टूर्नामेंट जो अपना आपको साल साल बाई साल मन अपना डेथ ये को डॉक्यूमेंट को बदलते जा रहा है, बाप का नाम को कभी गोहाइन लिखता है कभी मैन लिखता है कभी अपना को लेट बनाता है कभी बाप को जिंदा करता है कभी मुर्दा करता है, उस प्रकार का बहुत सा डॉक्यूमेंट है, इसलिए उस डॉक्यूमेंट का हिसाब से हम लोग का कहना ये है कि उसको इमीडिएटली आपका ये से MLA से उसको रिमूव करना है कि वो यहाँ में ST कोटा में राइट नहीं है क्योंकि वो असमी से वो असम से बिलोंग्स करता है, यहाँ अरुणाचल में उसका राइट नहीं है, उस हिसाब से हम लोग 5 पॉइंट्स का डिमांड है। अच्छा आप क्या कहेंगे अगर आप लोग का अभी ये डिमांड्स पूरा नहीं हुआ, आप लोग हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं, तबीयत भी आप लोग का हेल्थ भी ख़राब हो गया था, मेडिकल में आप लोग को ले गए थे, तो अभी हंगर स्ट्राइक के बाद क्या है? अभी वही है, हम लोग हंगर स्ट्राइक के बाद हम लोग का अभी सेकेंड स्टेप है पंचायत ऑफिस में हम लोग घेरना है, इसके लिए कब हम लोग DC को इंटीमेशन देने गया था तो DC साहब हम लोग का सामने में वो चाहे वो बुरा रिप्लाई देगा वह, तो हम लोग ने DC साहब को वही बोला है हम लोग आपको 2 दिन टाइम नहीं दे पाएगा क्योंकि हम लोग 3 साल से लगा हुआ है, आप लोग को टाइम देने का अभी समय नहीं है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हम लोग बहुत बार दिया और उसके बाद 30 डेज अल्टीमेटम दिया तभी भी आपने सुन के भी कार्रवाई नहीं किया देख के भी कार्रवाई नहीं किया, फिर हम लोग ने 17 को यह हंगर पीसफुली धरना यहाँ आया 17 से 22 तक बैठा और उसके बाद 22 नाइट से हम लोग भूख हड़ताल शुरू करके 26 तक बैठा, तो हम लोग DC को हुई बोला है 26 के बाद हम दोनों को हम मेडिकल ग्राउंड में एडमिट हो गया
तो इसका वजह से कल खाली निकला है मेडिकल से। तो इसे बोल के हम डीसी को ये बोला, आपको हम 2 दिन और टाइम नहीं दे पाएगा, आप आज शाम 5 बजे तक हमको रिपोर्ट अच्छा हो या बुरा हो या दो, अगर 5 बजे तक हमको आप रिपोर्ट नहीं देगा तो हम भी अपना जो स्टेप है वो कंटिन्यूस करेगा। स्टेप क्या है होगा वो ये हम अभी बताए, हम अभी पंचायत डायरेक्टर ऑफिस को घेरना है, वह हम प्रोटेस्ट करते हुआ ही बैठेगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड अगर है, कि ऐसा कुछ है क्या आप लोग के पीछे? पॉलिटिकल तो आप देखिए, पॉलिटिकल मोटिवेट है तो हमारा नंबर को आप लोग ऊपर लेवल में शायद ट्रेस किया होगा ना, किसी पॉलिटिक्स लीडर से बात करता है ना किसी पॉलिटिक्स लीडर को फोन कॉल करता है। अब दोनों अगर साबुत मिलेगा तो हम यहाँ से बिदिंग बन के निकल जाएंगे। अच्छा, लेखांग में भी ये नॉन एपिस्टी काफ़ी, तो वहाँ पे तो जिला परिषद या मेंबर्स भी बन चुके हैं पंचायत में, तो उसको आप लोग चाहते हैं कि उनको भी टर्मिनेट किया जाए? नहीं, हम लोग वही बोल रहे हैं, इंटर नामसाई चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अभी पंचायत में सिर्फ बोल के नहीं है, गांव बुरा से लेके ग्राम मेंबर जेड पी एम तक है। तो हम लोग का मेन डिमांड जो हुई है, इन लोग यहाँ में एस टी स्टेट में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसको कैंडिडेट बनने के लिए एस टी सर्टिफिकेट चाहिए और पंचायत वकील सेल्फ गवर्नमेंट बोलता है, इसलिए हम लोग का डिमांड हुई है उसको रिमूवल करना।